इन लोनावला, सो मेनी स्पॉट्स आर देयर इन लोनावला। सो गाइस, लोनावला आप ट्रेन में भी जा सकते हो। हम मॉनसून को एंजॉय करने के लिए बाइक पे गए थे, तो यहाँ पे आपको क्रॉस करना पड़ता है, अगर आप कार या बाइक पे जाते हो, घाट क्रॉस करना पड़ता है। घाट मींस दो माउंटेन रेंज को जुड़े हुए जो रास्ता होता है उसको घाट कहलाते हैं। घाट थोड़ा संभाल के जाना पड़ेगा आपको, स्पेशली मॉनसून में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होता है उस वक्त। और लोनावला जाने की सबसे अच्छी जो टाइम है वो मॉनसून की स्टार्टिंग टाइम और मॉनसून की एंडिंग टाइम, और इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो आप खुद को मजबूर कर दोगे गाड़ी रोक के फोटो खींचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रास्ते के दो साइड में ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। जैसे पहाड़ी से आते हैं ये वाटरफॉल्स, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ द ग्रेट लोनावला लेक, जो कि है पहाड़ी के एकदम गोदी में। ये है लोनावला लेक, बहुत बड़ा है ये। विंटर में थोड़ा सा ड्राई रहता है, बट अगर आप मॉनसून में जाते हो सो इसका रूप तो माय गॉड अमेजिंग है। और यहाँ पे आपको आसपास मिलेगा कंदा भाजी, चाय, बड़ा पाव, ये सब स्टॉल भी। सो सब मिला के आपको लोनावला लेक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और उस टाइम तो फॉग भी था, तो ठंड भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो लोनावला आप मॉनसून में फुल एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको एक अमेजिंग जगह पे लेके जा रही हूँ, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी आप रास्ते की दो साइड का व्यू एंजॉय करो, जो कि है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, एकदम नेचुरल ब्यूटी का एकदम रूप है ये। और अब मैं आपको लेके आई हूँ भूशी डैम में। अगर आप लोनावला आते हो सो भूशी डैम इज जस्ट अमेजिंग प्लेस, जो कि आपको बिल्कुल आना है। भूशी डैम में बहुत दूर में पार्किंग कर सकते हो आप, उसके बाद आपको पैदल ही आना पड़ेगा, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हो या कॉमन पीपल। चलो चलते हैं भूशी डैम। भूशी डैम इंद्रानी रिवर के ऊपर ये बनाया गया है, ओनली 6 किलोमीटर दूर है स्टेशन से। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक डैम है। सेंट्रल रेलवे से इसको बनवाया गया था 1860s में, और ये डैम आज भी उतना ही खूबसूरत है, उतना भी हार्ड है, टिकाया हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे पानी से इंजॉय कर सकते हो, फुल मॉनसून में इतना ही पानी रहता है, बहुत ज़्यादा आप आराम से भीग सकते हो। और बहुत आपको ध्यान दे के आपको ये सीढ़ी में चलना पड़ेगा, अगर पैर स्लिप हो गया तो आप तो गए, हाँ आप मरोगे नहीं लेकिन आपको थोड़ी सी हड्डी टूट सकती है, इसलिए ध्यान से चलना पड़ेगा आपको। ये जो पत्थर है स्लिपरी है थोड़ा, लेकिन आपको एडवेंचर भी बहुत मज़ा आएगा एडवेंचर में। और पूरा भरा हुआ रहते हैं पूरे साल भर, इतने सारे टूरिस्ट का आकर्षण है ये भूशी डैम। लेकिन जब जब डैम में पानी नहीं होता है तब आने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग मॉनसून इज द मोस्ट परफेक्ट टाइम। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एक अमेजिंग प्लेस, खंडाला। यस, आती है क्या खंडाला, आपको याद है ना खंडाला वाला गाना, वो तो हमारी फेवरेट है, ये डायलॉग भी आपको याद होगा। तो चले जाते हैं खंडाला में। खंडाला में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, माउंटेन पास, वाकचई माता की मंदिर, माउंटेन घाट, केव्स, गार्डन, सनसेट पॉइंट, राजमाची पॉइंट। और बीच मैं आपको लेके जा रही हूँ राजमाची पॉइंट की तरफ, जो कि है बहुत ज़्यादा शॉकिंग शॉकिंग ब्यूटीफुल। यस, दिल थाम के बैठिए दोस्तों, अगर आपका दिल थोड़ा सा दुर्बल है तो थोड़ा सा थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपको जो नज़रिया देखने को मिलेगा वो देख के आपका होश उड़ने वाला है, क्योंकि है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई से आपको देखने को मिलेगा राजमाची पॉइंट। ये है राजमाची पॉइंट। सो 1 2 3 चलो मैं आ गई राजमाची पॉइंट में। देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट है ये, कितना ज़्यादा खड़ाई है इसका, और अमेजिंग एकदम फॉग में पूरा ढका हुआ था उस टाइम, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ठंड भी था और अमेजिंग कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर लिया मैंने। सो राजमाची पॉइंट भी एकदम, मतलब आपको आना ही है अगर आपको लोनावाला आते हैं तो। बीच रास्ते में आप सवारी भी कर सकते हो ऐसे ऊँट के। और ये है वाकचई माता की मंदिर, मंदिर के अंदर फोटो खींचना मना था इसलिए मैंने बाहर से खींचा। तो ये है टाइगर पॉइंट, कुछ टेबल लैंड्स आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
और अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ एक अमेजिंग प्लेस की तरफ जो कि है मैप्रो गार्डन। मैप्रो इज अ गार्डन पार्क सिचुएटेड इन लोनावला महाबलेश्वर लाइक हिल स्टेशन एंड ऑल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये यहाँ पे फार्म में स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी कोका मैंगो ग्रेप्स चॉकलेट फैक्ट्रीज ये सब यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश मिलता है, एकदम फ्रेश आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे कुछ आउटलेट भी है, यहाँ पे आप सैंडविच पिज्ज़ाज पास्ताज आइसक्रीम ये सब इंजॉय कर सकते हो और उनके वहाँ पे आउटलेट में आप बिल्कुल शॉपिंग कर सकते हो। मैंने ख़रीदा था बटरस्कॉच सिरप और कोकम शरबत और भी बहुत सारे शरबत है। आप यहाँ पे एकदम चिल्ड्रन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हाउस है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स के शेप में ये इस तरीके से कुछ स्टैचू वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगा चिल्ड्रन को। आप आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे बिता सकते हो फॉर अ फ्रेशनेस। और ये फैक्ट्री भी बहुत ज़्यादा खास है, ये सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं महाराष्ट्र में मैप्रो को, और ये सच में इतना टेस्टी होता है कि क्या बोलूँ। और मैंने जो 2 चीज़ें परचेस किया था कोकम सिरप, कोकम अमेजिंग फ्रूट है यार, कोकम इज़ सो नाइस, कोकम इज़ लाइक वेरी वेरी अरे वाह दैट स्ट्रॉबेरी हाउस सो क्यूट। तो गाइस लोनावला एक ऐसी हॉलीडे डेस्टिनेशन है जहाँ आराम से आप एक दिन में पूरा सारे का सारा कवर कर सकते हो, सारे का सारे स्पॉट जो है लोनावला के 10-12 स्पॉट आराम से आप कवर कर सकते हो। अ परफेक्ट वीकेंड गेटवे, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज की एंजॉय करने का एक परफेक्ट पैकेज है पूरा लोनावला। और अगर आपके मन में कोई सवाल है कि लोनावला आप कैसे आ सकते हो, किस तरीके के आ सकते हो और कब आपको आना है, तो फुल इन्फॉर्मेशन आप मैंने दे ही दिया। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और लोनावला अगर आप मॉनसून में आते हो या फिर जब भी आते हो रेनकोट कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े भी आप कैरी करो क्योंकि भूसी डब में आप बिल्कुल गीला हो जाओगे, आप तब काम आएगा एक्स्ट्रा कपड़े। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो गर्म पानी का फ्लास्क बिल्कुल साथ में रखना क्योंकि यहाँ पे कहाँ फ्रेश पानी मिलेगा यू नेवर नो। और साथ साथ यहाँ पे ATM का भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये शहर नहीं है, गाँव की तरह है छोटा सा शहर, तो इसलिए कैरी कैश इन योर पॉकेट। सो ये था इन्फॉर्मेशन, और भी कुछ जानना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एज यू नो ट्रैवलिंग व्लॉग इज अ डिफिकल्ट थिंग बट मैंने ये आप ही के लिए किया है, सो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।